दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब बताऊं। आज है 28 अगस्त सन 2024। दोस्तों आज के एपिसोड में हम तिलहन यानी एडेबल ऑयल के बारे में, खाद्य तेलों के बारे में करेंगे चर्चा विस्तार से। इसमें सरसों, अरंडी, मूंगफली, पाम, इन सभी तेलों के बारे में करेंगे चर्चा। दोस्तों शो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों आपको याद होगा कि सोमवार को हमने आपको एक अग्रिम अनुमान दिया था कि खाद्य तेलों में इस सप्ताह सकारात्मक रहने की संभावना है। इसमें सरसों, सोयाबीन आदि प्रमुख है। लगातार 2 से 3 दिनों के अंदर सरसों तेल और बाकी खाद्य तेलों में भारत में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेजी देखी गई। सप्लाई कमजोर होने से सरसों खल के भावों में भी तेजी देखी गई और ये 150 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ गया। गौरतलब है कि सरसों खल के भाव में अच्छी तेजी बन रही है, इसके साथ साथ सरसों तेल के अंदर भी अच्छी तेजी बन गई है और सोया और एवं सरसों तेल के अंदर तेजी देखी गई है। सोया तेल, सरसों और बिनोला तेल में लगभग 100 से 200 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ने के समाचार हैं। साथ साथ लेकिन अरंडी के तेल के अंदर कुछ मामूली गिरावट भी देखी गई। तेल मिलों की मांग निकलने और लोकल डिमांड बढ़ने से लॉरेंस रोड पर सरसों के भावों में 6050 से 6100 रुपये प्रति क्विंटल बताए जा रहे हैं और सरसों में कीमत तेजी के कारण बिकवाली कमजोर होने से सरसों तेल में भी, बिकवाली कमजोर होने के बावजूद भी सरसों तेल में 150 रुपये बढ़कर ये 121 से 122 रुपये हो गया है, यानी 12150 रुपये प्रति क्विंटल। दादरी लाइन में भी इस 12,000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव हो गए हैं और इसमें सप्लाई कमजोर होने से राजस्थान व उत्तर प्रदेश की मंडियों में सरसों व सरसों तेल की कीमतों में तेजी का रुख जारी रहने के समाचार मिल रहे हैं। साथ साथ बिनोला तेल में भी 100 रुपये की तेजी होकर ये 9,500 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। साथ साथ CPO के भावों में $30 की बढ़त के साथ ये $1,040 प्रति टन होने के कारण और आयातकों की बिकवाली कमजोर के कारण कांडला में क्रूड पाम तेल के भाव में मजबूती देखी गई है। साथ साथ ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में CPO यानी क्रूड पाम तेल का वायदा अक्टूबर 36 रिंगट बढ़कर 4,000 और नवंबर में 42 रिंगट बढ़कर 3,966 और दिसंबर में 39 रिंगट बढ़कर 3,945 रिंगट प्रति टन होने के समाचार मिल रहे हैं। मेन कारण यह है कि विदेशी खाद्य तेलों में तेजी का रुख और बिकवाली कमजोर होने से वनस्पति घी के में 1620 से 1825 रुपए के भाव बताए जा रहे हैं। दक्षिण भारत की मंडियों से भी खबर के निकल के आ रही है। कोकोनट ऑयल यानी गोला तेल के भाव में टीनों में 2650 से 2750 रुपए बताया जा रहा है और मूंगफली तेल की कीमत 2700 से 2800 रुपए प्रति टीन पर बताई जा रही है। लेकिन इसके विपरीत अरंडी के अंदर कुछ कमजोरी देखी गई है, इसमें 100 रुपए घटे के भाव बताए जा रहे हैं। गुजरात की मंडियों में 12,600 रुपये प्रति क्विंटल के भाव अरंडी के बताए जा रहे हैं। साथ साथ सोया एसिड ऑयल के भाव 100 रुपये घटकर 6450 रुपये प्रति क्विंटल है और सप्लाई कमजोर होने से राइस फैक्ट्री की कीमत में 50 रुपये बढ़कर 7850 से 7900 रुपये प्रति क्विंटल बताए जा रहे हैं। दोस्तों सरसों खल के अंदर भी एक मजबूती का रुख है। तो कुल मिलाकर यदि हम देखें कि खाद्य तेलों में तेजी का ही रुख रहा है अभी। अब महत्वपूर्ण यह है कि अगला सप्ताह यानी आने वाले 10 से 15 दिन, एक महीना खाद्य तेलों में क्या मजबूती जारी रहेगी या फिर ऊपरी स्तरों पर कुछ मुनाफा वसूली आने की प्रबल संभावना बनेगी। दोस्तों इन सब का विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और आपके इलाके में खाद्य तेलों के क्या भाव हैं, सरसों, मूंगफली तेल, इन सब के क्या भाव हैं, अवश्य अपने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखिए। पूरा देश इसको देखता है। साथ साथ हमारा अगला शो तिल के ऊपर यानी शीशम सीड के ऊपर है, उसको भी देखना बिल्कुल ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।